Now let us look at Coriolis acceleration, from where it came and what is the condition to came in the link. And actually coaching में क्या किया जाता है कि teachers gave you formula and you are finding acceleration, you know how to find all these things, but it is all right, but I mean you should know from not intuitively but mathematically from where it came. So मैं mathematically दिखाने जा रहा हूँ कि Coriolis acceleration आता कहाँ से है. mathematically यदि देखना है तो ये देखते हैं, और इसका direction कैसे find करते हैं generally आप coaching में मिल जाएगा, कहीं मिल जाता है, लेकिन मैं भी direction था कैसे find करते हैं ये देखना बता दूँगा. तो let us look at कैसे देखते हैं, कैसे फाइंड करते हैं Coriolis acceleration. सपोज डेट कि आपके पास एक लिंक है, सपोज डेट कि आपके पास एक लिंक है जो ओरिजिन पे फिक्स है. मैं इसको ओरिजिन बना लेता हूँ, और ये लिंक है सपोज डेट, और ये आपका लिंक है. यहाँ पे एक स्लाइडर है उस लिंक पे. तो कैसे Coriolis acceleration आता है हमें ये देखना है. मान लेते हैं ये पॉइंट वो है, ये पॉइंट पी है, ठीक है. तो OP को आप जनरली कैसे लिखेंगे यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यदि आप लिखना चाहें, क्योंकि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि थोड़ा सा लोचा होगा उसमें. तो नॉट नीड टू वरी कि यहाँ मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में क्यों निकल के दिखा रहे हैं, मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जनरली बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ईजी हो जाती हैं. तो मैं OP को लिखूंगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, आर. आर क्या है, इसकी डिस्टेंस है आर, e की पावर i थीटा. अच्छा ये है थीटा आपका, ठीक. यदि हमें पता है कि यदि इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा क्या, एक्सेलरेशन. यानी पॉइंट p का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू o जो मिलेगा, मिलेगा एक्सेलरेशन. तो इसको एक बार हम पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो पहले बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाई डी टी ओ पी इक्वल टू, इसको कॉन्स्टेंट यू कैन डिफ्रेंशिएट इट बाई यूग्री. हम डायरेक्ट मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ. तो e की पावर i थीटा d बाई डी थीटा डी टी, ये r प्लस r d बाई डी टी e की पावर i थीटा. यू कैन डायरेक्ट लिख, अच्छा dr आर बाई डी टी, चेंज इन द लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज द वेलोसिटी. और डिपेंड करता है कि टाइम के साथ आर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. सपोज दैट टाइम के साथ आर इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इन डायरेक्शन में. यदि टाइम के साथ आर डिक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. तो हम अभी हम सारा कंडीशन पॉजिटिव वाला लेके चलेंगे, बाद में निगेटिव वाला अपने से मतलब जनरलाइज फार्मूला निकाल रहे हैं, और बाद वाले बाद में यदि निगेटिव वाला होगा तो वो देख लेंगे हम लिंक में. याद रखिएगा मैं डी आर बाई डी टी को पॉजिटिव लिख रहा हूँ, पॉजिटिव ही. तो यहाँ से होगा e की पावर i थीटा b प्लस r d बाई डी टी e की पावर i थीटा. तो ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा e की पावर i थीटा d थीटा बाई डी टी, d थीटा बाई डी टी अगेन d थीटा बाई डी टी. तो d थीटा बाई डी टी टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड करता है ओमेगा पे. यदि टाइम के साथ थीटा डिक्रीज हो रहा है, यानी ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे है. यदि टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, यानी ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है. तो टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, मैं अभी जनरली पॉजिटिव वाला लेकर चलूंगा. टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, जैसे थंब रूल से दिख रहा है. तो टाइम के साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा. इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी, डी स्क्वायर बाई डी टी, डी स्क्वायर सॉरी. तो यहाँ से हो जाएगा ओपी, ओके. इसको करेंगे यहाँ से तो दिख रहा है, पहले इसको करेंगे तो e की पावर i थीटा dv अपॉन dt प्लस v d बाई dt e की पावर सॉरी हाँ e की पावर i थीटा प्लस i e की पावर i थीटा ओमेगा d बाई dt r प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आर आई बाहर जाएगा डी बाई डी टी ई की पावर आई थीटा इंटू ओमेगा, ठीक है.
ये हो जाएगा e पर i थीटा dv अपॉन dt को हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी कि कौन सा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ p इस डायरेक्शन में होगी लिंक के अलोंग विथ रिस्पेक्ट टू o, ठीक है, ठीक है, एक्सीलरेशन है। प्लस ये वेलोसिटी भी होगा, इसको करेंगे i हो जाएगा, i होगा और ये कितना हो जाएगा e की पावर i थीटा d थीटा बाई dt आएगा, d थीटा बाई dt आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको ओमेगा लिख लेंगे। प्लस आई ई की पावर आई थीटा ओमेगा, ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी भी प्लस 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 आर आई, इसको करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा आई ई की पावर आई थीटा ओमेगा और डी थीटा बाई डी टी का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ई की पावर आई थीटा को। प्लस इस बार ओमेगा को बाहर रखेंगे, नहीं ओमेगा को करेंगे, हाँ ओमेगा करेंगे तो ई की पावर आई थीटा और डी ओमेगा बाई डी टी को अल्फा लिखेंगे एक्सेलरेशन। अच्छा डी ओमेगा बाई डी टी अगेन आया तो ये टाइम ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या टाइम के साथ ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यदि टाइम के साथ ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो प्लस अल्फा, यदि टाइम के साथ ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो माइनस अल्फा। मैं जनरलाइज वाला इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, हर जगह प्लस लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज में प्लस हर जगह लेके चल रहा हूँ, यानी वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में लेके चला और ओमेगा मैंने इस डायरेक्शन में लेके चला, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज दिख रहा है वी ओमेगा आई, वी ओमेगा आई ई की पावर आई थीटा, तो हम इसको एक काम करते हैं ई की पावर आई थीटा अल्फा प्लस टू वी ओमेगा, ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह से रहने देते हैं आई ई की पावर आई थीटा प्लस ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा आई इंटू आई तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई की पावर आई थीटा प्लस आई अल्फा इंटू आर ई की पावर आई थीटा। यहाँ से एक चीज दिख रहा है ई की पावर आई ई की पावर आई थीटा और आई ई की पावर आई थीटा यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से जस्ट मिनट, ठीक है, ई की पावर आई थीटा यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ई की पावर आई थीटा यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, ई की पावर आई थीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई की पावर आई थीटा कॉमन कर लीजिए प्लस यहाँ से आई ई की पावर आई थीटा कॉमन कर सकते हैं तो टू वी ओमेगा प्लस अल्फा इंटू आर आई ई की पावर आई थीटा। तो यहाँ से एक काम करते हैं थीटा इक्वल टू पाई पर जीरो पुट कर लेता हूँ। अच्छा एक चीज और यहाँ से ही समझ में आ रहा है, पहले ये एक्सेलरेशन हमें पता है एंगुलर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, अच्छा ये ए होगा, सॉरी ये ए होगा, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन तो पता है जनरली हमारे लिंक पे होगा, सपोज ये पिस्टन एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हमें पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे लग रहा होगा, लेकिन एक एक्सेलरेशन आया है अलग से, इस एक्सेलरेशन को हमें पता नहीं था कि आएगा बट आ गया, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथमेटिकली आया है, इन टोटली बाद में देखेंगे, पहले मैथमेटिकली को तो हम कुछ कर नहीं सकते इसको, तो इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ कोरियोलिस एक्सेलरेशन, इसको नाम दिया गया है और ठीक है, हाँ, और ई की पावर आई थीटा को जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस टू बी ओमेगा प्लस अल्फा इंटू आर इंटू आई का, अच्छा ठीक है, यानी मेरी लिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है क्योंकि थीटा इक्वल टू मैंने जीरो बोला, तो ए मान लेते हैं यदि इस डायरेक्शन में है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इस डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि माइनस है, टू भी ओमेगा और अल्फा इंटू आर तो टू इधर दोनों होगा, क्या होगा टू भी ओमेगा भी होगा प्लस अल्फा इंटू आर भी होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ओके। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये दो एक्सेलरेशन आए, अच्छा मैंने क्या कहा था, ठीक है, अब अल्फा तो डिपेंड करेगा, अल्फा दिया रहेगा, अच्छा अल्फा और इंटू आर को कैसे, ये एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, हमें याद रखना कि अल्फा क्रॉस आर करना है,
ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अल्फा क्रॉस आर से निकलेगा, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकलेगा कोरियोलिस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन निकलेगा वो कितना इसका से निकलेगा टू ओमेगा क्रॉस बी, ठीक है टू ओमेगा क्रॉस बी, ओमेगा आर स्क्वायर आर जो है इसका डायरेक्शन आपको पता है सेंटर की ओर होता है। हाँ यदि नहीं पता है तो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, ये मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक यदि इसको आप एक्सपांड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा पहले किसके साथ जाएगा आर के साथ जाता है ना आई थिंक, ठीक है तो ये आर होगा तो ओमेगा इंटू ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा, ठीक है ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा माइनस इस बार आर बाहर होगा ओमेगा डॉट ओमेगा, और ओमेगा आर के बीच का एंगल कितना है ओमेगा यदि सपोर्टेड ई डायरेक्शन में है और आर ई डायरेक्शन में है और ओमेगा का डायरेक्शन क्या है अंदर की ओर है तो 90 डिग्री है, तो ओमेगा डॉट आर कितना आ जाएगा जीरो, ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ से ऐसे पता कर लेते हैं, और इसका डायरेक्शन हमने बता दिया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बता दिया, और एक्सेलरेशन ये इसकी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन जनरली दी हुई होती है क्या बोलते हैं इसको जो स्लाइडर है उसकी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जनरली दिया होता है क्वेश्चन में, तो इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आता है ये ध्यान में रखना है, और आई थिंक अब आपको पता होगा मैथमेटिकली भी ये कैसे आता हो कैसे आता है, ठीक है।